लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और बस 10 दिन का और इंतजार है, उसके बाद यहाँ छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। और जहाँ तक आपकी जानकारी में होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग इसके को प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और इस त्यौहार के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि तालाब हो या नदी, सब जगह छठ व्रती पहुँचते हैं और वहाँ पर डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। इसकी जानकारी हेतु तालाब की साफ सफाई को देखने के लिए हम इस समय पहुंचे हैं श्मशान घाट छठ तालाब पास। और मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पे नगर परिषद जो है सो साफ सफाई का काम जोरों से कर रहा है। और ये पानी की साफ सफाई भी आप देख सकते हैं, हमारे ठीक सामने है ये छठ तालाब, जहां पे लाखों लोगों की भीड़ होती है। और अब ये कह रहे हैं कि इस तालाब का थोड़ा सा और उद्धार होना चाहिए। हालांकि साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई कर जहां तक कूड़ा को जमा किया गया है, अभी जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समय नगर परिषद की गाड़ी आएगी और इस कूड़े को उठा कर ले जाएगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसी मोहल्ले में रहते हैं, वो यहाँ लगे हुए पौधों को बचाने में भी लगे हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्रकृति पर्व को के ऊपर भी पूरा ध्यान देते हैं। छठ पर्व के बारे में मैं बताऊँ आपको, वो पूर्णतः जो है प्रकृति से संबंध रखता है, ऐसा पर्व है जहाँ पे साक्षात सूर्य देव को हम लोग नमन करते हैं या अर्घ देते हैं। और उसी प्रकृति को बचाने को लेकर कुछ युवक हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, हम बात करते हैं उनसे कि यहाँ पे साफ सफाई का क्या आलम है, यहाँ साफ सफाई का क्या आलम है, नगर परिषद कितना ध्यान दे रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, तो बहुत मतलब यहाँ पर बहुत पहले से ही हो रहा है साफ सफाई और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, साफ सफाई हो रहा है, कुछ गंदगी नहीं यहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा थी मतलब अब नहीं कुछ यहाँ पे। यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप लोग पौधा को भी पेड़ को मतलब बचा रहे, कोई मतलब तोड़ उड़ दे, तो ये पौधा अपने से लगा है, आप लोग लगाए खुद लगा हुआ था, इसको हम लोग घेर दे रहे हैं सिर्फ। क्या लगता है इसको आप लोग बचा पाएंगे? हाँ बचा लेंगे हम लोग, सुबह घेरने के बाद बचाएगा ये। क्या नगर परिषद से और आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं नगर परिषद से? अरे सिंपल बोलना, आ जाओ हम लोग का देश के सामने, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, बस हम लोग का देश के सफा रखें, बस यही चाहते हैं। तो साफ सफाई नगर परिषद के अलावा तुम लोग का कितना ध्यान है इस पर? बहुत ध्यान है बस। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि साफ सफाई रखिए और गंदगी ना फैलाएं। जैसा कि अभी कोरोना का काल चल रहा है और ऐसा हम लोग को सुनने में आया कि अभी हटिया में ही जो है 55 केस मिला है। और ये अच्छी बात है कि हमारे जिला में अभी तक पिछले 1.5 महीने से एक भी केस नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी बात है, सब अपने मतलब बढ़िया ध्यान दे रहे हैं सब, और क्या कहें इसके बारे में, लोगों को जागरूक रहना चाहिए कि नहीं? हाँ जागरूक रहना चाहिए, बस अपना ध्यान दें। और चलिए हम चलते हैं और भी घाटों की ओर और हम दिखाएंगे वहाँ भी आपको उसकी स्थिति, वहाँ पे घाट की सफाई का आलम क्या है। मैं अभी आ गया हूँ शहर के दूसरे प्रमुख छठ तालाब के पास और आप देख सकते हैं कि ये इंद्रवा छठ तालाब है, यहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है और लोग यहाँ भी सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए सुबह और शाम पहुँचते हैं। और मैं बताऊँ कि कोविड काल के पहले यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहें कि कोविड के प्रकोप की वजह से लोग मजबूर हैं, यहाँ मेला जो है पहले की तरह नहीं लगता है। और मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसा है, जो तालाब तो साफ दिख रहा है लेकिन कुछ जगह ऐसे है जहाँ गंदगी बिखरी पड़ी है। हम नगर परिषद से कहना चाहेंगे कि भाई इस पर आप भी आप विशेष ध्यान दें ताकि बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। हमारे बाएं साइड देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लोग कचरा फैला के चले गए हैं, कहीं ना कहीं नगर परिषद की बात तो करें तो, लेकिन पब्लिक भी यहाँ जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है और इसकी खामियाजा जो है पब्लिक को ही भुगतना पड़ता है। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता सईद नसीम जी, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे वो पब्लिक को कि स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए और नगर परिषद को कि भाई छठ आ रहा है और अभी तक पूरी सफाई नहीं हो पाई है, क्या ये संभव है, कब तक ये हो पाएगा? नेता जी, आप जो सफाई का आलम तो देख रहे हैं कि बहुत जगह कचरा वगैरह पड़ा हुआ है और बहुत जगह गंदगी पड़ा हुआ है और ऐसा देखने को लग रहा है कि नगर परिषद भी एक दो दिन पहले मेहनत कर गया है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए छठ बहुत आस्था का और बहुत साफ स्वच्छ त्यौहार है, ऐसे में
नगर परिषद के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करना, जिस तरह आप देख रहे हैं छठ घाट पर हम लोग खड़े हैं, इसी में कुछ दिनों बाद छठ होना, इसी में मवेशी को धोया जा रहा है, यत्र तत्र गंदगी है, ये एक ही तालाब का हाल नहीं है, ये पूरे शहर का है। शहर को पूरे व्यवस्थित तरीके से नगर परिषद को चाहिए कि साफ करे, और कोरोना काल की तीसरी लहर की जो आशंका है, अगर इस तरह पर्यावरण दूषित रहेगा, इस तरह तालाबें दूषित रहेगी, इस पानी में छठ लोग आएंगे मनाएंगे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद अपनी जो उनकी जिम्मेवारियां हैं उससे बचने का प्रयास कर रही है, और फिर कोरोना को बढ़ने में बढ़ावा मिलेगा। अभी हटिया स्टेशन में एक साथ 55 मरीज मिले हैं, आपको भी जानकारी होगा, तो उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि तीसरी लहर आने की आशंका है या नहीं? देखिए, तीसरी लहर से आने की आशंका तो बनी हुई है, पूर्व से बनी हुई है, उसके बचने का एक ही उपाय है कि जो एहतियात कोरोना नियम्स बनाए गए हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस बनाए गए हैं, उसका पालन शासन प्रशासन और आम आदमी सभी लोग करें, तभी आप कोरोना के तीसरी लहर से अपने आप को बचा पाएंगे, तो रोक पाएंगे। दो कोरोना के लहर ने जो आर्थिक स्थिति या फिर स्वास्थ्य का जो हालात बेकाबू किया है, उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, और सबसे बड़ी बात कि नगर परिषद अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए झुमरित लिया शहर के अंदर जितने भी छठ घाटे हैं सबको व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई कराए, और जो वहाँ पे व्यवस्था चाहिए छठ के दौरान उसकी व्यवस्था करें, ब्लीचिंग पाउडर की ज़रूरत हो तो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए, साफ सफाई करने के बाद कूड़े करकट को कम से कम तालाब से दूरी पे फेंकवाया जाए, बगल में ही फेंक देना, जो आप देख रहे हैं अभी सामने में ही है, बगल में ही फेंक देना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब क्या लगता है कि नगर परिषद की ही बात करें तो केवल उसकी ही जिम्मेवारी बनती है या आम पब्लिक की जिम्मेवारी बनती है? देखिए, आम पब्लिक जागरूक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आम पब्लिक की जागरूकता तब बरकरार रहेगी, भावना से एक दिन आके आम पब्लिक साफ सफाई कर सकती है, लेकिन व्यवस्था से प्रतिदिन सफाई हो सकती है, और व्यवस्था के लिए ही नगर परिषद बनाया गया है। हम चाहते हैं कि व्यवस्थित तरीके से नगर परिषद हमेशा इसके रख रखाव साफ सफाई की जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकती, उसको बराबर करना चाहिए। आम पब्लिक एक दिन भावना में आएगी और एक दिन साफ करके चली जाएगी, लेकिन वो हमेशा साफ नहीं कर सकती। यही कारण है कि किसी संस्था का निर्माण होता है और उसी संस्था के तहत नगर परिषद का निर्माण है, और उसकी जिम्मेवारी है कि इसको प्रतिदिन साफ सफाई करवाया जाए प्रतिदिन, और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता सैयद नसीम जी को, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं नगर परिषद का रवैया उदासीन है, जिसके वजह से यहाँ पे गंदगी फैला हुआ है, और वो उसको चाहिए कि वो अपना दायित्व को सही तरीके से अपनाए और सही व्यवस्थित तरीके से साफ सफाई पे ध्यान रखें। हम चलेंगे और भी छठ तालाब की ओर और वहाँ की भी देखेंगे स्थिति। और एक युवक है, हम उससे बात करते हैं कि भाई कचरा यहाँ पे क्यों फेंका हुआ, कचरा यहाँ पे जो फेंका हुआ किस लिए, कैसे फेंका हुआ? वहाँ डस्टबिन रहता था, अभी कचरा डस्टबिन नहीं है, कचरा नीचे फेंका रहा है। तो डस्टबिन कहाँ चला गया? डस्टबिन को ले गया होगा कौन? नगर परिषद वाला, नगर पालिका वाला हो गया, उसी ले गया होगा। तो कितना दिन से यहाँ पे नगर परिषद, कितना दिन से यहाँ पे नहीं है डस्टबिन? लग रहा है कि कम से 3-4 महीने से नहीं है। आपने सुना है कि 3-4 महीने से यहाँ डस्टबिन नहीं है, जिसकी वजह से भी कचरा फेंका हुआ है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नगर परिषद का रवैया भी उदासीन है। इस समय मैं खड़ा हूँ तिलिया बस्ती स्थित छठ तालाब के पास, और यहाँ की जो स्थिति है ये देखने को आ रहा है कि यहाँ काफ़ी गंदगी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं नगर परिषद के लोग यहाँ पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं साफ सफाई के लिए। यहाँ एक बिटिया है, हम उससे बात करेंगे, चूँकि वो बगल की रहने वाली, वो बताएगी कि क्या है स्थिति। क्या है बेटा, यहाँ नगर परिषद वाले साफ सफाई के लिए आते हैं? हाँ आते हैं। तो ये कचरा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? नहीं, पानी भर गया था, कचरा वो निकाल के निकाला था, सूखने के लिए दिया है इसलिए। तो वो रेगुलर आता है लोग? हाँ आता है। तो क्या क्या यहाँ पे सफाई, सफाई कर रहा है? झाड़ू सब मारेगा, कचरा उठाएगा, पूरा सफाई अभी ढंग से सफा नहीं किया है। तुम लोगों को लग रहा है की छठ तक साफ सफाई सफा हो जाएगा पूरा? आपने सुना है इस बच्ची को, इसका कहना है कि नगर परिषद वाले साफ कर रहे हैं और कचरा निकाल कर सूखने को दिए हैं, जैसे वो सूख जाएगा वो आकर ले जाएंगे। लाइव लगातार के लिए संध्या आचल के साथ मैं अरुण बर्नवाल, झुमित लिया कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।